I'm really short of words, but all I just want to say is thank you to everyone for making me a part of what is an incredible memory. हमें राहुल द्रविड़ जैसा कोई एक प्लेयर भी यहाँ पर नजर आता है जो एक फादर फिगर हो जिसकी सारे लोग इज्जत करते हो, सारे क्रिकेटर भी दूसरे भी. बदकिस्मती से ऐसा है नहीं, हमारे सामने क्रिकेटर्स ने ऐसा अपना बनाया नहीं मकाम. जो सबसे बड़ा सवाल है कि अजहर महमूद, वहाब रियाज, गैरी कस्टन, क्या ये अपने कंधे झाड़ देंगे? सिर्फ ये क्या कि टीम में डिसिप्लिन नजर नहीं आया, टीम में जो है वो हम आहंगी नहीं थी, टीम के खिलाड़ी मुत्तहिद नहीं थे. भारत की टीम में राहुल द्रविड़, भारत की टीम में वो काम कर रहे थे जो एक बाउंडिंग फोर्स की हैसियत से थी. हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के जो मामला थे, इवन हुटिंग हुई है जब हार्दिक पांड्या फील्ड पर खड़ा कर रहे थे IPL में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा को, तो लोग उनको आवाज़ दे रहे थे कि इज्जत कीजिए. इस हद तक मामला खराब थे, लेकिन उनके कोच ने कैसे टीम को खिलाया, कैसे टीम को लड़ाया, वो आपके सामने है. कहते हैं ना कि जब एक सीजन प्लेयर जब एक टीम के अंदर होता है, टीम को लेके चलता है, एक डायरेक्शन दिखाता है, यंगस्टर्स के लिए एक राह हमवार करता है, तो पता लगता है कि उसने किस तरीके से अपने आप को ढाला उस रोल के अंदर. लेकिन सबसे एक अच्छी चीज जो लगी ना मुझे पूरी इंडियन टीम की, देखिए स्क्वाड अंडर 19 का कैरी हो रहा है. अगर आप राहुल द्रविड़ की बात करते हो तो आपको याद हो कि आप 4 साल की बात करें, 5 की बात करें, ये वो स्क्वाड है जो अंडर 19 से कैरी हो रहा है. सिराज की बात करो अंडर 19 का प्लेयर आपका, सूर्या कुमार अंडर 19 का प्लेयर आपका, पांट की बात करें, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अंडर 19 से कैरी हो रहे हैं. थोड़ा सा एक मसला हमारा यहाँ पर ये होता है कि हम ज़्यादा, मैं इस चीज़ को हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि अहमद भाई, हमारे जो बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं 19 के साथ काम नहीं करना चाहते. मुझे पता है फाइनेंसिस की मामलात हैं, बाकी भी मामलात हैं, हम ज्यादा पाकिस्तान टीम के पीछे ओवररेटेड हैं क्रिकेटर. ये कि हमने किंग और शाहीन क्या क्या हमने ऊंची पड़वा ये किया हुआ है, हम तो चढ़ा देते हैं, उसके बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर इस तरह से हमें दुख होता है. और आपने ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त बोली कि कहीं वो वक्त ना आ जाए कि हॉकी वाला हाल हो जाए कि किसी को परवाह ही नहीं होगी कि भाई टीम जीत रही है, हार रही है, क्या कर रही है. तो बदकिस्मती से हालात तो नहज के जानिब जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब आप अफ्रीका जैसी टीमों से हारोगे, उससे पहले आप आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से भी हार चुके, अफगानिस्तान से भी हार चुके. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी. दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम कर लिया है. T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है राहुल द्रविड़. बताते चले कि टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ पूरी तरीके से छा चुके हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के जैसे. एक हिसाब से उनका भी रिटायरमेंट हो चुका है टीम इंडिया के कोचिंग के रूप में. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि राहुल द्रविड़ केवल और केवल देश के लिए कोचिंग कर रहे हैं, वो पैसों के लिए बिल्कुल भी कोचिंग नहीं करते हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि राहुल द्रविड़ जैसा कोई भी एक प्लेयर हमारे पास नहीं है जिसकी पूरी टीम में रिस्पेक्ट हो. यही रीज़न है कि पाकिस्तानी टीम हमेशा से फॉरेन कोच की तरफ जाती है और फॉरेन कोच पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराते हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि टीम इंडिया की आज शानदार परफॉर्मेंस का मेन रीज़न राहुल द्रविड़ है. पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि टीम इंडिया में भी प्लेयरों के बीच क्लैश है, लेकिन राहुल द्रविड़ उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं. बताते चले कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच वर्ल्ड कप से पहले यानी कि IPL में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन राहुल द्रविड़ ने दोनों प्लेयरों को अच्छे से जोड़ के रखा. कुल मिलाकर एक बार फिर से राहुल द्रविड़ ने अपनी कोचिंग के स्किल शानदार तरीके से दिखाते हुए टीम इंडिया को एक यूनिटी में बनाए रखा. तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने राहुल द्रविड़ की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है. कोच जो है वो आपको डिलीवर करा रहा होता है थ्रू आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के. और जहाँ तक देखें आपने स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, नो डाउट देखें इंडिया का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जिस तरह से वहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है, वहाँ जिस तरह से रणजी ट्रॉफी हो गई, फिर सबसे बड़ा देखें उनके पास जो फ्लेवर है, आपके पास IPL है जो टोटली नंबर वन ब्रांड है. होता ये है कि जब भी टीम हारती है तो आपने देखा होगा अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में हारी, उन्होंने अपने कॉम से माजरत की, श्रीलंका के कोच छोड़ गए, इवन आप देख लें कि युगांडा का कप्तान जो उसने भी छोड़ दिया. मगर हमारे यहाँ किसी ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की. प्लेयर्स कहते हैं हमारे क्या कसूर है, बोर्ड कहता है हमारे क्या कसूर है. अगर धोनी की बात, मुझे किसी की कैप्टनसी इंडियन क्रिकेट में पसंद है तो वो रोहित शर्मा है. बहुत टेक्टिकली बहुत साउंड है, बड़े काम भी नजर आते हैं और एज अ प्लेयर बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हैं. अगर उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी एज ए लीडर, जिस फ्रीडम से वो खुद खेलते हैं उसी फ्रीडम से वो बाकियों को खेलने देते हैं और ट्रस्ट करते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर. बहुत ज़्यादा बातचीत करते आपको नज़र नहीं आते,
कहते हैं कि सिंपल रखते हैं चीज़ों को कि जाओ जाके अपने आप को एक्सप्रेस करो. और आई थिंक इंडियन टीम में जहाँ पे इतने बड़े प्लेयर्स हों, इतने बड़े नाम हों और आपकी स्किल लेवल इतना अच्छा, उधर आपको सिर्फ इसी तरह से मैनेज करना होता है, आपको फ्रीडम देना होता है. राहुल द्रविड़ भी एज अ कोच आई थिंक आउटस्टैंडिंग रहे हैं. जो इनकी ओवरऑल टीम के साथ एटीट्यूड रहा है, नज़र आता है कितनी टीम खुश है उनसे. और उनको ही ऑल्सो न्यू वेन टू गो, कह रहे थे मैं एक हफ्ते के लिए अनएम्प्लॉयड हूँ. तो आप ये सोचें कॉन्फिडेंस लेवल, उनको पता है एक हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा मुझे कहीं और नौकरी कहीं और जाने में. तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस तो जरूर है. शर्मा उनको हटा के पांड्या को कप्तान बनाया, लेकिन हुआ ये कि उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठा और 10 टीमों में उनकी टीम आखिरी नंबर पर आई. क्रिकेट इंडिया ने इस फैसले को रिवर्स किया और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ जाने का फैसला किया. सेम आपके क्रिकेट बोर्ड ने किया, अफरीदी को हटाया, बाबर को कप्तान बनाया. अगर आप ये कह रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में हर चीज बहुत आसान थी, तो ऐसा नहीं था. अगर उनके ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा थे तो उनके ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्या कुमार यादव, चार कैप्टन मौजूद थे. आपके ड्रेसिंग रूम में भी बाबर आजम कप्तान थे, शाहीन थे, रिजवान थे, शादाब थे और इमाद वसीम, ये चार कैप्टन थे. लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था कि वो टीम के लिए खेल रहे थे. मोहसिन हसन खान कहते हैं प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान. मैंने नहीं देखा अब्दुल्ला, इवन आपने फाइनल के बाद भी इंडियन क्रिकेट का जो सोशल मीडिया है आप उसके करीब करीब भी नहीं है, लेकिन आपने देखा कि किसी खिलाड़ी की कोई तस्वीर आई हो, आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी टीम को सोशल मीडिया के जरिए, तस्वीर के जरिए, वीडियो के जरिए जो है वो ऑब्लाइज करने की कोशिश की. अच्छा। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से राहुल द्रविड़ का फैन बन चुका है. पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आज टीम इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें सबसे ज्यादा योगदान राहुल द्रविड़ का है. अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के जुड़ने से पहले अंडर 19 टीम इंडिया से जुड़े हुए थे और उन्होंने उसके लिए बहुत ज्यादा काम किया. ना केवल काम किया बल्कि टीम इंडिया को अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जिताया था. राहुल द्रविड़ की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारा कोई भी कोच या पूर्व प्लेयर छोटी टीमों से नहीं जोड़ना चाहता है, जैसे कि अंडर 19 टीम से बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहता है. वहीं राहुल द्रविड़ जैसा बड़ा प्लेयर अंडर 19 से टीम में जुड़ने के लिए अपने आप को गर्वित महसूस करता है. यही फर्क है इंडियन प्लेयर और पाकिस्तानी प्लेयरों में. इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच एक कॉम्बिनेशन जो बना हुआ था वह देखने में अलग ही लग रहा था. यही रीज़न है कि टीम इंडिया पिछले कुछ समय से शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है. बताते चले कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत पहुंचा, वो भी दो बार. इसके बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया. यहां तक कि भारत 50 ओवर के फाइनल में भी पहुंच गया था, बस जीत नहीं पाया था. कुल मिलाकर भारतीय टीम की परफॉर्मेंस ना केवल इस वर्ल्ड कप में बल्कि पिछले 3-4 ICC टूर्नामेंट में शानदार रही है. तो वहीं दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तानी टीम की, तो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है. तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही. तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ. सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए. थैंक यू.